HW आपको होमवर्क पे हार्ड वर्ड्स दिए और मैंने एनिमल्स के नेम दिए थे आपको और उनके होम्स जो है वो आपको राइट लिखने थे अपने नोटबुक में. यू हैव टू राइट द होम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल विच आई हैव गिवन इन प्रीवियस क्लास. ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट तो कर दिया था. इस चैप्टर में हमने सबसे फर्स्ट जो टॉपिक था वो स्टडी किया था टाइप्स ऑफ एनिमल्स. टाइप्स ऑफ एनिमल्स ये हमारा कंप्लीट हो गया था टॉपिक. इसमें हमने एनिमल्स की टाइप्स के बारे में स्टडी किया था कि हमारे आसपास देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल. कई तरह के एनिमल्स होते हैं, बिग स्मॉल वेरी स्मॉल एंड द एनिमल विच वी कैन नॉट सी विद आवर आईज. कई तरह के एनिमल होते हैं, बड़े छोटे बहुत छोटे जो आंखों से नहीं दिखते वो. इसके अलावा हमने इस चैप्टर में इस टॉपिक पर स्टडी किया था. सेकेंड हमने वाइल्ड एनिमल के बारे में स्टडी किया था कि द एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट आर वाइल्ड एनिमल्स. द एनिमल्स दैट लिव विद अस इन आवर होम जो हमारे घर पर रहते हैं आर पेट एनिमल्स. एंड द एनिमल्स दैट वी कीप इन फार्म्स फॉर देयर यूजेस. जिन एनिमल्स को हम अपने यूज के लिए रखते हैं अपने साथ दे आर डोमेस्टिक एनिमल. थ्री टाइप्स के एनिमल, पेट डोमेस्टिक वाइल्ड, ये हमारा क्लियर हो गया था. थर्ड टॉपिक हमने किया था होम्स ऑफ एनिमल्स. कल ही मैंने आपको बताया था डिफरेंट होम्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की जो होम होते हैं, घर होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. कुछ एनिमल्स ऑन द ग्राउंड जमीन पर रहते हैं, सम लिव अंडर द ग्राउंड जमीन के नीचे भी रहते हैं, सम लिव ऑन ट्रीज, कुछ ट्री पे रहते हैं, सम लिव्स इन होल्स, कुछ होल में रहते हैं. तो इस तरह से और कुछ एनिमल होते हैं जो अपना होम खुद बनाते हैं, अपना शेल्टर होम जो है खुद बनाते हैं. जैसे बर्ड्स हो गया, आपके रैट हो गया, रैबिट हो गया, ये अपना घर खुद बनाते हैं. बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनको होम्स जो है हम प्रोवाइड करते हैं. जैसे काऊ, काऊ जो अपना घर खुद नहीं बना सकती, उसके लिए जो होम होता है उसका घर SHED शेड. काऊ का घर क्या होता है? SHED शेड. तो वो हम बना के देते हैं उनको. ऐसे हॉर्सेस का घर होता है STABLE एस्टबल, STABLE एस्टबल, तो उसको भी हम बनाते हैं. हॉर्सेस का घर भी हम बनाते हैं, काउस का भी हम बनाते हैं. डॉग का होता है KENNEL कैनल, KENNEL कैनल, ये डॉग का घर है इसको भी हम बनाते हैं. काउ का SHED शेड, हॉर्सेस का STABLE एस्टबल. ऐसे ही फिश जो होती है जो हम घर में रखते हैं उसका घर होता है एक्वेरियम. बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं ना ग्लास के बने हुए कांच से, उसके अंदर रहती हैं. तो AQUARIUM एक्वेरियम, ये भी हम बनाते हैं उनके लिए. और हैंस जो होती है मुर्गियाँ, वो COOP कूप में रहती है उनके हाउसेज. ये एनिमल इन हाउसेज में रहते हैं. हैन का कूप, हॉर्सेस का एस्टेबल, काउ का शेड, डॉग का कैनल, फिश का एक्वेरियम. लेकिन ये हाउसेस वो खुद में अपने लिए बिल्ड करते हैं. दीज हाउसेस आर बिल्ड अप बाय ह्यूमन बीइंग, इसको हम इंसान बनाते हैं उनके लिए. ओके, और नेस्ट है, होल है, ये जो ऐसे घर हैं, डैम है, ये एनिमल खुद अपने लिए बनाते हैं. जैसे आपके स्पाइडर वेब में रहता है, बीज जो है वो हाइव में रहती हैं, आंट जो है आंट इन में रहती है. तो ये जो हाउसेज हैं एनिमल्स के, ये वो एनिमल खुद अपने लिए बनाते हैं. ओके, अब आज जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर का फोर्थ, वो हम स्टार्ट करते हैं. फूड, HABITS हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. देखो बच्चों, फूड हैबिट्स का मतलब जो डिफरेंट एनिमल्स हैं हमारे आसपास में, वो जो उनका फूड हैबिट है यानी उनका जो फूड है वो भी डिफरेंट होता है. कुछ एनिमल होते हैं जो लीव्स खा लेते हैं, प्लांट्स ईटर होते हैं, प्लांट्स को खा के अपना पेट भरते हैं. इसके अलावा कुछ एनिमल्स हैं जो अदर एनिमल्स को खा के, अदर एनिमल्स को किल करते हैं, उनको उनका मीट खा के अपना पेट भरते हैं. वो प्लांट्स नहीं खा सकते, जैसे लॉयन, टाइगर, वुल्फ, ये कैसे एनिमल है? फ्लैश ईटर. फ्लैश का मतलब होता है मीट, मांस.
फ्लैश ईटर एनिमल है, कुछ प्लांट ईटर जैसे काउ बफेलो ये प्लांट्स खाते हैं। तो इस तरह से हर एनिमल का फूड डिफरेंट होता है, हर एनिमल का फूड यानी खाना डिफरेंट होता है। तो इसी फूड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर फूड, उनके फूड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, फोर्थ चैप्टर टॉपिक में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एच ई आर बी आई वी ओ वी ओ आर ओ यू एस। कल मैंने आपको हार्वर्ड में भी लिखवाया था हर्बी वॉरस, एच ई आर बी आई वी ओ आर ओ यू एस। हर्बी वॉरस एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों? द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स, द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स या प्लांट्स पार्ट, जो प्लांट के किसी भी पार्ट को खाते हैं, जैसे प्लांट की लीव खा लेते हैं, प्लांट के शीड, प्लांट के फ्लावर, प्लांट की स्टेम, ये प्लांट के पार्ट ना, प्लांट्स के फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, मतलब कि प्लांट्स जो खाते हैं। द एनिमल दैट ईट प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट, प्लांट या प्लांट के पार्ट को जो खाते हैं आर हर्बीवोरस एनिमल, उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल, उनको कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल। एग्जाम्पल अगर सब पूछा है पूछो तो काउ, गॉड, शेप, बफेलो, डियर, एलिफेंट, रैबिट, ये सब ऐसे एनिमल है जो केवल प्लांट्स खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। तो दीज आर हर्बीवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट है आपका सेकेंड सी ए आर एन आई वी ओ आर ओ यू एस, कार्निवोरस एनिमल, द एनिमल दैट इट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो एनिमल फ्लैश खाते हैं, एफ आई एस एच, फ्लैश यानी मांस खाते हैं ऑफ अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स का, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। इसके एग्जाम्पल हैं लॉयन, टाइगर, वुल्फ, फॉक्स एक्सेट्रा, ये अदर एनिमल का फ्लैश यानी मांस खाते हैं, दीज आर कार्निवोरस एनिमल। थर्ड है आपके ओमनी, ओ एम एन आई, ओ एम एन आई वी ओ आर ओ यू एस, ओमनीवोरस एनिमल्स, द एनिमल दैट ईट प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, बोथ बोथ थिंग्स दे ईट, दो एनिमल दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल का फ्लैश मीट भी खाते हैं, आर ओमनीवोरस एनिमल। फॉर एग्जाम्पल आपके इसके एग्जाम्पल जैसे क्या है, इसके एग्जाम्पल है आपके रैट, बियर, क्रो। ये रैट जो होता है उसको आप शीट वगैरह देंगे, बीज वगैरह, तो वो उसको भी खा लेगा और अब वो मीट भी खा सकता है। ऐसे बियर जो होते हैं भालू, वो भी मीट भी खाते हैं और वो प्लांट्स भी खा लेते हैं। तो दीज आर ओमनीवोरस एनिमल। फोर्थ आपके अभी और है, फोर्थ नंबर एस सी ए वी ई एन जी ई आर एस, स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स बच्चों ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, डेड एनिमल्स को, दे आर स्केवेंजर्स, उनको कहते हैं स्केवेंजर्स। जैसे वल्चर, गिद्ध होता है बड़ा सा एनिमल बर्ड वल्चर, और हाइना, ये भी फॉक्स जैसा दिखने वाला एनिमल है हाइना, तो ये ऐसे एनिमल है जो डेड एनिमल्स को खा के अपना पेट भरते हैं, तो दीज आर स्केवेंजर्स। और ये जो हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं जंगल के लिए, क्यों? क्योंकि ये जंगल में जो भी डेड एनिमल्स होते हैं ना, उनको खा के जंगल की क्या करते हैं, इनसे सफाई करते हैं, वरना तो वो डेड एनिमल पड़े पड़े खराब होता जाएगा और उसकी जो स्मेल बैड स्मेल वो पूरे जंगल में भर देगा, जंगल में बैड स्मेल हो जाएगी, गंदी सी स्मेल आएगी, डर्टी हो जाएगा जंगल। तो ये जो एनिमल है उस डेड एनिमल को खा के एक तरह से हमारे उस एनवायरनमेंट को, वहाँ फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो दे आर गुड फॉर फॉरेस्ट, वो जंगल के अच्छे हैं स्केवेंजर्स, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का हाउ एनिमल्स मूव, हाउ एनिमल्स मूव, फोर्थ एंड फिफ्थ दो टॉपिक अभी इस चैप्टर के और बात करती हूँ, हाउ एनिमल्स मूव एंड लास्ट टॉपिक है एनिमल्स टेल। इन टू टॉपिक्स को हम हमारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इनफ है इतना, क्योंकि आपको कल डबल वर्क मैंने दिया था, तो उन दोनों वर्क को आप कंप्लीट करेंगे और उसको जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चेकिंग के लिए स्कूल में सेंड करेंगे नोटबुक्स। ठीक है, अभी चैप्टर आप सेवन को अच्छे से पूरा रीड करेंगे।
क्लास में उसको भी रीड करेंगे और जो आज हमने स्टडी किया चैप्टर में उसको भी रीड करेंगे, साथ में जो हार्ड वर्ड्स लिखवाए हैं उनको भी लर्न करेंगे। ओके okay?